चाचे की जमीन है। अभी भाई को प्रमोट करता रहेगा, मेरे को प्रमोट नहीं करेगा। छक्के मार मार पागल हो गया मैं। उधर शाहजहां में और चेतन मैडम को करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरी भी है, बताओ दुनिया को मैं खुद करोड़पति आदमी हूँ। क्या करता भाई, ये तो आपको प्रमोट कर रहा, आपने पैसे तो नहीं खिलाए इसको। अंडरवर्ल्ड के अंदर आपकी क्या पोजीशन है? अभी अगर बोले तो अपन का पोजीशन अंडरवर्ल्ड में, अपन अंडरवर्ल्ड का वजीर आजम है। तो आपका वो फिर छोटा राजन और छोटा शकील, ये क्या है? राजन का नाम नहीं लेने का। छोटा शकील, छोटा शकील है ना, छोटा शकील है अपन लोग का वजीर इत्तला, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। अच्छा अच्छा, मैंने बोल दिया ना, वो एक ही लग जी जी मैं तो एक ही चीज। सही बात, सही बोले भाई। इसको इसको इसके पास सुपारी आई, मैं तेरे को बताता हूँ, इसके पास सुपारी आई, ये ज्ञानी इससे घनी नहीं चली। मेरे को बोलता है आठवीं क्लास के बच्चे की सुपारी आई है भजीरी में उसको कूटने का। मैंने कहा तू यही कर सकता है, कूट के भी आए। तो भाई आठवीं क्लास के बच्चे को मारना ज्यादा मुश्किल होता है बड़े की नस्बत। आपको पता है टीचरों से जाके पूछो, छोटे बच्चों को पढ़ाना जिस तरह मुश्किल होता है ना। अभी तकरीर नहीं कर, अगला सवाल पूछ। तकरीर नहीं मैं तेरी चेक से तंग। भाई आप मेरी बार बार बेइज्जती करते हो ना भाई, मुझे बुरा लगता है, कमाल करते हो भाई। सुना है आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो बाल ठाकरे है? कौन ठाकरे? मेरे को बता ठाकरे कौन ठाकरे? दाऊद भाई वो जो आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ, अभी अक्खा मुंबई का ढोन कौन, मेरे को यहाँ बैठ के ये बता। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहता है, मच्छर टाइप सा एक आदमी है वो, काला सा मरियल। जी जी वही। अच्छा। अभी तू बोला वो मच्छर है, उसके लिए वो जो जिस मच्छर का तू बात कर रहा है उसके लिए तो मेरा जावेद ही काफी है। सही बात है भाई, मच्छर मैं वैसे भी देखता हूँ तो मेरे को चेतन याद आ जाता है, चेतन शर्मा। उसको मैंने इतने जोर से छक्का मारा शारजा के क्रिकेट स्टेडियम में, ये शॉट लगी और बाल छक्का, मैं चेतन को घुमा दूंगा। जी दाऊद भाई एक दोबारा इंटरप्ट करूंगा, एक और कॉल हमारे पास मौजूद है। जी कौन भाई? अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और गुजरात का बहुत बड़ा डॉन हूँ, आप मेरे को वर्ली का एरिया दे दो। ये तेरे को कौन बताया वर्ली? भाई वो मैंने ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में अपनी दो तकरीरें भेजी हैं और मैंने इंडियन चैनल्स पे भी ये लिखा हुआ पड़ा है 4-0-0-0-2-1-1-2 वर्ली मुंबई। तेरे को वर्ली का एरिया दिया, बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन मेरे को वर्ली के साथ साथ तो दो वीजे भी चाहिए वर्ली के। तेरे को दो वीजा दिया? मेहरबानी, वो क्या है कि दो बार जाना चाहता हूँ ना, तो इसलिए मुझे दो वीजे चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कौन थे? अब वो जावेद भाई आप जब जाएंगे वापस तो पता लग जाएगा कौन थे। दाऊद भाई पिछले दिनों बहुत ज्यादा इल्जामात लगे आप पे, स्पेशली बॉम्बे ब्लास्ट। आप नहीं समझते कि बहुत कीमती जाने जाए हुई और ये एथिक्स के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है? अच्छा, अभी मुंबई के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, कितनी कीमती जाने जाया हुई भाई, काफी सारे लोग है ना, काफी सारे लोग मारे गए। अभी तेरे को वो याद नहीं आता जो बाबरी मस्जिद के साथ किया भाई, वो तेरे को याद नहीं आएगा? वो तेरे को वो भी याद नहीं आएगा, तेरे को वो भी याद नहीं आएगा जो इधर गुजरात में हुआ, तेरे को नहीं याद? कश्मीर में, कश्मीर का किसको याद रहता है? ये तो बम्बई में ब्लास्ट हुआ ना। इन लोग का मैं बताता तेरे को, यहाँ बैठ के अखा मीडिया पर मैं बताता है तेरे को, तुम लोग कुछ नहीं करता है, तुम लोग पूरा दिन घूमता है, गर्मी में घूमता है, घर आता है एसी ऑन किया, सीएनएन देखा, अभी बॉम्बे में ब्लास्ट हो गया, अभी क्या करें? मेरे को इसको फोड़ना? नहीं नहीं भाई, जाने दे भाई, मैं तो क्या करता है, छोटा छतरी से बात कर रहा है भाई, मेरी बात काम सुनेंगे खुद भी कर लिया। सुपारी भाई, एक मिनट ना भाई, क्या हो गया? सुपारी भाई, सुपारी मेरे पास है, आप अगर उसकी बात कर रहे हैं आप। छतरी? अच्छा सुपारी कैंसिल है यार। अच्छा भाई, मैं खुद भी कभी मोमबत्तियां नहीं जलाई ना, मैंने कभी सोग बनाया, मैं तो बस एक बात कर रहा था। तेरे को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? काय को भाई को इतना गुस्सा दिलाता है? दाऊद भाई अगर आप एल के अडवाणी को देखें, जिस तरह आप ऑफर्स कर रहे होते हैं, जिस तरह आपने स्टार्स हीरो बना दिया लोगों को, एल के अडवाणी को देख के क्या इमेज आती है आपके दिमाग में? आप प्रीति, मैं तेरे थोड़ी देर में फोन कर दूं। भाई छोड़ ना, जिल्टा का फोन था, प्रीति जिल्टा। भाई क्यों प्रेस कर रहे हैं? मैं सवाल पूछा है, मैं तेरे को बताता था अभी, क्या नाम लिया? एल के अडवाणी। एल के अडवाणी को अपन जब भी देखता है, सीधी सी बात है, अपन को पता है क्या याद आता है? अपन को लगता है कि किसी काली सी चीज पे एक सफेद मक्खी बैठी है। अरे भाई क्या बात की कसम से भाई, सफेद मक्खी। आप उनकी मूंछों को कह रहे हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल काफी इंसल्टिंग बात बोली है आपने। इंसल्टिंग तो है, अभी मक्खी के लिए तो इंसल्टिंग। गोली चला दे, कैसी खुशी में। अच्छा चलो भाई, स्टूडियो है दाऊद भाई,
भाई एक सवाल करना चाहूंगा आपसे, आपके पास इतने पैसे हैं और आप इंडियन फिल्म्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अगर यही पैसे आप इंडियन जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनके दिमाग दुरुस्त कराने में खर्च करें तो मेरा ख्याल है वो आपको पाकिस्तान से नहीं मांगेगी और पूरी दुनिया जानती है कि आप पाकिस्तान में नहीं हैं। दम है तेरी बात में, दम है। क्या करता तू? भाई ब्यूरो चीफ हूँ इस चैनल का। कितने कमा लेता तू? भाई कुछ नहीं, बस गुजारा हो जाता है। हजारों में कमाता होगा? जी भाई। अभी हमारे साथ आ, डी कंपनी ज्वाइन कर, तेरे में दम है। तू हमारे साथ आ, आज हजारों में कमा रहा, कल करोड़ों में खेलेगा। अब भाई एक मिनट लगे, सोच ले। एक मिनट रुक, अभी मैं बात कर रहा हूँ। तू, तेरे को काम करने का हमारे साथ? जी भाई। डी कंपनी ज्वाइन कर। भाई आप, मैं डी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तू ये ऑफर लेके तू राजन के पास क्यों नहीं गया? भाई मेरे को लॉन्ग टर्म काम करने का है और वो सिर्फ आपके अंदर नजर आता है मुझे। अबे एक मिनट मेरी बात गौर से सुन ना, सोच ले।